गोंडवानल सगालकुन सेवा जोहार। तो चलिए सगजन शुरू करते हैं गोंडी भाषा का न्यू सीरीज, जहां पर से व्याकरण से स्टार्ट होगा। जो हमारा गोंडी भाषा सीखने का जो भाग स्टार्ट होगा वो व्याकरण से शुरू होगा। इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा ऐसा मेरा आशा विश्वास है। सादर सेवा जोहार सगजन। गोंडी पल्लो करियाट, ये जो इनके इस बुक के लेखक हैं आर एल वट्टी जी, बस्टरिया वट्टी दादी बोलते हैं उनको, उत्तर बस्तर कांकेर से हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संज्ञा। संज्ञा अर्थात पदोर या परोय, और इंग्लिश में उसे नाउन कहते हैं। परिभाषा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के पांच भेद हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी एक व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोसोडुमा, ये हमारे जो प्रथम समूह है उनका नाम है। उसके बाद लिंगो, जंगो, पेन, बाना, हीरागढ़, कचारगढ़, पेंकमेड़ी, मुरवाकोट, हरवाकोट। उसके बाद दूसरा संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा, एक ही जाति के अनेक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और स्थलों का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लयोर अर्थात लड़का, परेवा अर्थात कबूतर, मट्टा अर्थात पर्वत, नार अर्थात गाँव, टाली अर्थात गाय, पुंगार अर्थात फूल। तीसरा, भाववाचक संज्ञा, किसी वस्तु स्थान या प्राणी के बारे में उसका गुण, कार्य अथवा दशा का बोध कराता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे संगवारी अर्थात मित्रता, असाद अर्थात आलस्य, अद्दि अर्थात गर्मी, कल्लाना अर्थात चोरी, मुतोर अर्थात बुढ़ापा। द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वड़ी अर्थात हवा, येर अर्थात पानी, वेरची अर्थात प्रकाश, अद्दी अर्थात धूप, पाल अर्थात दूध, नी अर्थात तेल, कर्रा अर्थात बर्फ। पांचवा है समूहवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति या वस्तु से समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गण अर्थात प्रजा, करसाड अर्थात खेलना, बिडार अर्थात समाज, मंडे अर्थात मेला, हाटुम अर्थात बाजार, मर्मिंग अर्थात शादी। सादर सेवा जोहार सगजन।